बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं, जैसे कि हमने कल बोला था कि कल बजट आया है और अगर आप लोग चाहेंगे कि हम इस पर वीडियो देखें तो हमें सजेशन दें और हमें काफी ज्यादा सजेशन मिली ईमेल बॉक्स में। तो आज हम जो वीडियो देखने जा रहे हैं वो इसी से रिलेटेड है। टॉपिक टाइटल बताएंगे, मौजूद टाइटल है बजट 2021 एनालिसिस ऑफ बजट 2021 बाय प्रशांत धवन करंट अफेयर्स 2021। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो का चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें वर्ल्ड अफेयर्स के चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बजट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहली बार हमारे देश में हम देख रहे हैं पेपरलेस बजट। ज्यादातर आपको याद होगा कि बजट इस तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाता था इन फ्रंट ऑफ द एंटायर नेशन। फाइनेंस मिनिस्टर एक ब्रीफ केस में कुछ पेपर्स लेके जाते रहे इन द पार्लियामेंट और वहां पे पढ़ते थे कि ये होगा कंट्री का बजट। मगर सिंस इस बार का बजट है पेपरलेस, तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने यहाँ पर एक ब्रीफ केस प्रेजेंट किया देश के सामने। इन्होंने यहाँ पे प्रेजेंट की है एक टैबलेट। जी हाँ, ये टैबलेट है और टैबलेट के ऊपर ये है एक लाल रंग का कवर। और यहाँ पे आप देख पाओगे पार्लियामेंट में एक टैबलेट के जरिए इन्होंने पढ़ा है पूरा बजट। और एक और इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि एक ऐप भी लॉन्च करी गई है फॉर द कॉमन मैन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, ऑफिशियल्स, इवन हम जैसे लोग। अगर हम चाहते हैं कि बजट से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स हमको एक जगह मिल जाए, तो उसके लिए लॉन्च करी गई थी यूनियन बजट मोबाइल ऐप। यहाँ पे आप देखोगे गूगल प्ले स्टोर पे ये ऐप आपको मिल जाएगी, यूनियन बजट ऐप डेवलप्ड बाय NIC। और यहाँ पे आपको टोटल 14 डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे रिलेटेड टू द बजट। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्वियसली है द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम मीडिया में आर्टिकल्स में कहते हैं बजट। जी हाँ, बजट आपको कहीं पे ये जो वर्ड है यूज किया हुआ मिलेगा नहीं, इसको प्रॉपरली कहा जाता है द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि बजट से रिलेटेड जो मेजर हाइलाइट्स हैं ये क्या है, जिस पर आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। उसके बाद जो 6 पिलर्स हैं इस बार के बजट के, आत्मनिर्भर भारत का जो बजट है इस बार, इसके 6 पिलर्स ये हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। सो हाइलाइट्स में मैं कहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात निकल के आई है PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। देखो, इसके लिए सरकार ने यहाँ पे एलोकेट किए हैं आने वाले 6 साल के लिए 64,180 करोड़ रुपीस। इसके अंडर होगा क्या? देखो, इस योजना के अंडर कोशिश यह है कि इन द फ्यूचर अगर कोई पेंडेमिक आता है, कोई बीमारी अगर फैलती है, तो उससे निपटने के लिए इंडिया प्रॉपरली प्रिपेयर्ड हो। इसमें बहुत से स्टेप लिए जाएंगे। पहली बात तो जो भी हेल्थ लेबोरेटरीज हैं, पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरीज, इनको इंटीग्रेट किया जाएगा इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स, ताकि कल को अगर सरकार को डेटा चाहिए, कल को अगर मान लो फिर से पैंडेमिक फैलता है, टेस्टिंग हो रही है, सरकार को डेटा चाहिए कि इस स्टेट में कितने लोगों को ये बीमारी हो चुकी है, कितने लोग स्वस्थ हैं, तो जल्दी से इंटीग्रेटेड आपस में डेटा शेयर करने वाली जो पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरीज हैं, इनका डेटा सरकार यूज कर सकती है टू मेक अ ग्रैंड स्ट्रेटजी। उसके अलावा प्लान यह है कि 3,382 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट्स बनाए जाएंगे इन 11 स्टेट्स, क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स बनाए जाएंगे इन 602 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर वन हेल्थ, ये होगा एक रिसर्च प्लेटफॉर्म जो हम बनाएंगे इंडिया में विद द हेल्प ऑफ WHO, और ये कवर करेगा पूरा साउथ ईस्ट एशिया रीजन। इसे भी प्रिपेयर किया जाएगा अंडर द स्वस्थ भारत योजना। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम बात करते हैं साउथ ईस्ट एशिया रीजन, तो यहाँ पर WHO सिर्फ साउथ एशिया की बात नहीं कर रहा। WHO ये कह रहा है कि जो इंडिया में सेंटर बनाएंगे, ये पूरा जो ये रीजन है यहाँ पे, जहाँ पे आसियान देश भी आते हैं, इन सब को भी कवर करेगा। और बेसिकली ये वन हेल्थ इंस्टीट्यूशन होगा क्या? क्या यहाँ पे लोग इलाज करने के लिए आएंगे? नहीं। 2017 में मैं आपको ये बताता हूँ कि WHO ने ये कहा था कि हमको खोलने चाहिए वन हेल्थ इंस्टीट्यूशंस। इसका मेन फोकस होगा समझने में कि बीमारियां बेसिकली आती कहाँ से हैं। जो जूनोसिस है, मतलब कि जो बीमारियां जो जानवरों से फैलती है इंसान में और उसके बाद म्यूटेट करके इंसान से इंसान में भी फैलने का पोटेंशियल लगती है, ये बीमारियां किस तरीके से डेवलप होती हैं, कहाँ पे इनके होने के चांसेस ज़्यादा हैं, इस पर प्रॉपरली रिसर्च होगी इस वन हेल्थ इंस्टीट्यूशन में। सो यहाँ पे आप देख पाओगे ये WHO की वेबसाइट है। बाय द वे, WHO के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में आप सब लिखेंगे। मैं इस तरीके से काफी क्वेश्चंस आपसे पूछता रहूंगा थ्रू आउट द वीडियो, तो उसका आंसर आप करते रहना इन द कमेंट सेक्शन। सिंपल क्वेश्चन होंगे तो जरूरी नहीं है कि मैं आपको आंसर दूं ही, आप आराम से खुद भी सर्च कर सकते हैं। सो देखो यहाँ पे वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि वन हेल्थ क्या है। ये है फॉर जूनोसिस, कंट्रोल ऑफ जूनोसिस, और लॉन्ग टर्म में इससे हम ये भी कोशिश करेंगे कि जो बीमारियां जानवरों को होती है उसका भी इलाज हम ढूंढ पाएं, क्योंकि हम ये भी नहीं चाहते कि जानवर भी बहुत ही लंबे समय तक बीमार रहें, जानवरों में भी कोई वायरस लगातार फैलता रहे, क्योंकि आज नहीं तो कल वो म्यूटेट होकर इंसानों को भी अटैक कर सकता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा लगता है देख करके अब इस पर फाइनली काम हो रहा है, मगर डेट देखे खराब लगता है कि काश इस पर
आज से 3-4 साल पहले ना सिर्फ इंडिया ने, पूरी दुनिया ने काम स्टार्ट कर दिया होता तो टुडे वी वुड हैव बीन बेटर प्रिपेयर्ड फॉर द पेंडेमिक। नाउ इस सब के अलावा 9 बायो लेवल 3 सेफ्टी लेबोरेटरीज भी कंस्ट्रक्ट की जाएगी इन द कंट्री। ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है लेबोरेटरीज, अगर आपको इन द फ्यूचर स्टडी करना है, कंट्रोल करना है किसी नई बीमारी को जो बहुत ही तेजी से फैल रही है, बहुत डेंजरस है, बहुत लीथल बीमारी है, तो उसको स्टडी करने के लिए ऐसी लेबोरेटरीज हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट। फिर उस सब के अलावा हम 4 रीजनल नेशनल इंस्टीट्यूट्स भी ओपन करेंगे फॉर वायरोलॉजी। वायरोलॉजी क्या होती है? वायरोलॉजी वो ब्रांच होती है साइंस की जहाँ पे आप स्टडी करते हो वायरसेस को। तो इन अ ग्लांस आप समझ सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी ऑब्वियसली फील करते होंगे कि इनके टेन्योर में ही ये बहुत बड़ा पैंडेमिक आ गया, तो इनकी लेगेसी का एक पार्ट ये भी है कि ये इंश्योर करें कि आने वाले 10-20 साल में अगर फिर से ऐसा पैंडेमिक आता है, कोई बीमारी फैलती है, तो इंडिया उसके लिए प्रॉपरली प्रिपेयर्ड रहे, आत्मनिर्भर रहे। नाउ इस योजना में इस सब के अलावा, वायरस पे फोकस करने के अलावा, इन्होंने और भी काफी सारे काम किए हैं। फॉर एग्जांपल 1000 रूरल और अर्बन हेल्थ और वेलनेस सेंटर को सपोर्ट दिया जाएगा। यहाँ पर यह भी लिखा है कि सेटअप किए जाएंगे 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स और 2 यहाँ पे ओपन करेंगे मोबाइल हॉस्पिटल्स। मोबाइल हॉस्पिटल्स मतलब के हॉस्पिटल जो मूव कर सकते हैं, ये रूरल एरिया और रिमोट एरिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो ओवरऑल जो भी हमारा हेल्थ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको स्ट्रांग बनाएगी पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। और इसके अलावा मैं आपको यही बता दूं कि ऑलरेडी जो हमारी एक एग्जिस्टिंग एक आप कह सकते हैं मिशन, एक मिशन ही कहेंगे इसको हम, ये है नेशनल हेल्थ मिशन। इसके अंडर ये सब काम हम कुछ हद तक कर रहे हैं, कई हॉस्पिटल्स की इंप्रूवमेंट, हेल्थ केयर को इंप्रूव करना, ये सब हम कर रहे हैं। तो जो ये नई योजना है ये इसके एडिशन काम करेगी। और सरकार ने यहाँ पर यह कहा है कि इस योजना के अंडर हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी हेल्थ केयर सिस्टम्स को डेवलप करेंगे। और इस योजना को हम फंड इसलिए कर पाएंगे क्योंकि इस बार हेल्थ में सरकार बहुत ही ज्यादा हाइक कर रही है अपनी स्पेंडिंग। यहाँ पे आप देखोगे टोटल इस बार के बजट में 137% की हाइक है ऑन हेल्थ। इस पर अभी हम और बात करेंगे जब हम डिस्कस करेंगे 6 पिलर्स ऑफ द बजट। अभी के लिए एक और हाइलाइट मैं आपको यही बता दूं, आपने काफी आर्टिकल्स देखे होंगे वहां पर ये लिखा है कि जो सीनियर सिटीजन हैं अबव द एज ऑफ 75 इनको अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। ये देखो बिल्कुल सही बात है, मगर इसमें कैच है, ये रिलैक्सेशन सिर्फ उन सीनियर सिटीजन के लिए है जिनका जो इनकम सोर्स है ये है पेंशन या फिर इंटरेस्ट। कुछ अमाउंट उन्होंने रखा है बैंक में उसका उनको इंटरेस्ट आता है या फिर उनकी पेंशन आती है फ्रॉम गवर्नमेंट या फिर किसी और सोर्स से, तो उनको ही यहाँ पे रिलैक्सेशन दी है कि आपको ITR फाइल करने की आवश्यकता है नहीं। बाकी अगर मान लो कोई बहुत बड़ी कंपनी है वहां पे 78 ईयर्स का कोई CEO काम कर रहा है तो उन्हें तो अपना ITR अपना फाइल करना होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये देखो प्राइमरली है एक रिलैक्सेशन रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए, क्योंकि आप सोच कर देखिए काफी बार उनको 75 की एज के बाद भी डॉक्यूमेंट्स हर साल अरेंज करने होते हैं, CA से बात करनी होती है, फिर CA भी आराम से 500-1000 रुपए लेकर ITR फाइल करने की, तो ये सब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे इनको यहाँ पे मुक्त कर दिया गया है और ये मैं कहूंगा काफी अच्छा स्टेप है। फिर उसके अलावा अगर हम बात करें टैक्स स्लैब की, तो जो डायरेक्ट टैक्स स्लैब है उसमें कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं किया गया। ये देखो काफी अच्छी बात भी है, लोग ये अज्यूम कर रहे थे कि सिंस इस बार पेंडेमिक की वजह से सरकार का एक्सपेंडिचर बहुत ही जरा बढ़ गया है, सरकार को एक्स्ट्रा खर्चे करने पड़े हैं, तो डेफिनेटली इस बार ये टैक्स चेंज करेंगे। जो लोग जरा कमाते हैं, 10 लाख से ऊपर कमाते हैं, मोस्ट प्रोबेबली उन पर ज्यादा टैक्स लगाया जाएगा, मगर सरकार ने अभी के लिए कोई चेंज नहीं किया है टू द मेन डायरेक्ट टैक्स स्लैब। हाँ, इन्होंने यहां पर एक बात ऐड कर दी है कि जो डिविडेंड टैक्स है इसमें दे दिया रिलैक्सेशन। डिविडेंड देखो होता क्या है, आपने देखा होगा बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं वहां पे लिखा होता है डिविडेंड पेइंग म्यूचुअल फंड्स, आप उस म्यूचुअल फंड में पैसे डालो तो जिन कंपनीज में वो म्यूचुअल फंड पैसे डालता है वो अगर जब भी डिविडेंड देंगी तो वो डिविडेंड भी आपको मिलेगा। आप डिविडेंड डायरेक्टली भी ले सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आप कोई शेयर खरीदते हो रिलायंस का, आप पूरे साल तक वो शेयर होल्ड करके रखते हो और उस कंपनी को काफी प्रॉफिट होता है, तो हो सकता है कि मुकेश अंबानी डिक्लेयर करें कि इस साल के लिए जो हमारा शेयर है वहां पर शेयर हम 15 रुपए का डिविडेंड देंगे, एग्जांपल के लिए कह रहा हूं। तो ये डिविडेंड मिलता है शेयर होल्डर को, शेयर का प्राइस ऊपर नीचे हो वो अलग बात है, वो शेयर बस होल्ड करके बैठा है इसीलिए उसको 15 रुपए मिलेंगे पर शेयर। ये एक बेसिक एग्जाम्पल है एक डिविडेंड का। तो डिविडेंड पे जो टैक्स लायबिलिटी है अब इसको कुछ हद तक चेंज कर दिया गया है टू ए कैपिटल गेन्स टैक्स, मतलब कि जब डिविडेंड आपके अकाउंट में आएगा, जब आपको मिल जाएगा डिविडेंड तभी आप पे लायबिलिटी बनती है कि आपको डिविडेंड पे टैक्स पे करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इस सब के अलावा देखो एक काफी वरिंग बात यह भी सामने आई है कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने रिवील किया यहां पर कि जो भी चाइना के साथ हमारा स्टैंड ऑफ चल रहा है इस वक्त, जो शुरू हुआ था कई महीनों पहले आज भी कायम है लद्दाख के आसपास, इसमें टोटल इंडिया को खर्चा आया है 20,000 करोड़ से भी ऊपर, 20,776 करोड़ रुपीज टू बी एग्जैक्ट। इसमें देखो खर्चा मेन ये था
कि हमको सोल्जर्स मोबिलाइज करने पड़े नियर द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लद्दाख के आसपास। इनको सप्लाई चाहिए थी, हमको बहुत सारा फूड एम्यूनेशन स्टोर करना पड़ा। कल को हमें पता नहीं है बेसिकली चाइना ने अचानक से यहाँ पर 1,00,000 सोल्जर क्यों डिप्लॉय कर दिए, आज तक हमको पता है नहीं इसका रीजन क्या है। हमारे विदेश मंत्री भी कह चुके हैं कि हमने प्रॉपरली समझा नहीं है कि चाइना यह सब करना क्यों चाहता है, मगर इंडिया को प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने में ही ऑलमोस्ट 21,000 करोड़ रुपीज का यहाँ पे खर्चा आ गया। तो ये देखिए काफी वरिंग बात है। इससे आप कह सकते हैं चाइना ने पिछले कई महीनों में एक बहुत बड़ी कॉस्ट इम्पोज करी है इंडिया पर। खैर ये तो थी मेन हाइलाइट्स ऑफ द बजट। अब बात करते हैं बजट के बारे में। तो बजट में देखो यहाँ पे आपको मिलेंगे 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर्स, इन्हीं पिलर्स पे बना है ये पूरा बजट। नंबर 1 जो पिलर है ये है हेल्थ और वेलबींग, इसलिए जो हेल्थ का एक्सपेंडिचर है ये 137% बढ़ाया गया और नई योजना भी यहाँ पर सामने आई है। फिर उसके नीचे लिखा है फिजिकल और फाइनेंशियल कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर इंडिया की जो ग्रोथ है इसको हमें रिवाइव करना है। आगे देखो जो तीसरा पिलर है ये है इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया। देखो डेवलपमेंट तो अपने आप में हो जाएगी मगर इंक्लूसिव होनी चाहिए, यहाँ पर ऐसा ना हो कि बस अमीर और अमीर होते जाएं, जो गरीब है जो मिडिल क्लास है उनको अपनी वेल्थ में ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखे ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है उसके लिए। फिर यहाँ पे है रीइनवेगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल, इसमें इन्होंने प्राइमरली फोकस किया है स्किल डेवलपमेंट पे फिर से। और फिर यहाँ पे जो पांचवा पिलर है ये है इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट। छठा पिलर यहाँ पे है मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है इस पूरे बजट का हेल्थ और वेलबींग, सबसे पहले फोकस करते हैं इस पर। यहाँ पर वित्त मंत्री ने ओपनली ये कहा है कि हमारा फोकस है यहाँ पर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट एरियाज पर, एक तो है प्रिवेंटिव, फिर क्यूरेटिव और वेलबींग। जब हम बात करते हैं देश के हेल्थ और वेलबींग की, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आने वाले समय के लिए मास्क रेडी रखो, हमारे पास वायरोलॉजी की लैब्स होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म में हमको ये भी इंश्योर करना होगा कि कैसे ये बीमारियां हम प्रिवेंट कर सकते हैं, इनका क्योर हम कितनी जल्दी डेवलप कर पाएंगे, और ओवरऑल देश की जो वेलबींग है, देश के लोगों की जो हेल्थ है, ये भी हम कैसे कर सकते हैं इंप्रूव। तो सबसे पहले इस पिलर में, बाय द वे ये जो डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम द इंडियन बजट वेबसाइट, ठीक है, तो 100% प्योर ऑथेंटिक गवर्नमेंट डेटा आपके सामने है। इन्होंने यहाँ पर बात करी है पहले पिलर में कि देखिए आपके सामने हमने ला दी है पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें ये सब चीजें इंट्रोड्यूस की जाएगी और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है टू मेक इंडिया पावरफुल इन द फील्ड ऑफ हेल्थ। तो इस योजना के अलावा आगे बात करते हैं न्यूट्रिशन के बारे में, पोषण के बारे में। यहाँ पर कह रहे हैं न्यूट्रिशन को स्ट्रांग करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए ये मर्ज कर रहे हैं दो प्रोग्राम्स को। यहाँ पे लिखा है कि वी मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल मर्ज द सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम एंड द पोषण अभियान, और इन दोनों को मर्ज करके सरकार फिर से लॉन्च करेगी मिशन पोषण 2.0 भी इसको आप कह सकते हैं। और मिशन पोषण 2 अपने आप में एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसके अंडर बहुत सारे सरकार के इनिशिएटिव्स आते हैं, फॉर एग्जांपल इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ICSD, आंगनवाड़ी सर्विसेज, पोषण अभियान अपने आप में, फिर स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स, नेशनल क्रच स्कीम, ये सब आती है मिशन पोषण 2.0 के अंडर। फिर यहाँ पे आगे बात की गई है यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई के बारे में। सरकार ने WHO की यहाँ पे काफी कोटेशन यूज करी है, यहाँ पर कह रहे हैं कि WHO ने बार बार ये कहा है कि क्लीन वाटर, सैनिटेशन, क्लीन एनवायरमेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपको अचीव करना है यूनिवर्सल हेल्थ केयर। तो इसके लिए जल जीवन मिशन अर्बन ये बहुत ही जल्द लॉन्च किया जाएगा और इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी आने वाले 5 साल में। इसका टोटल आउटले है एक मैसिव 2,87,000 करोड़ रुपीज। फिर आगे ये लोग बात करते हैं क्लीन एयर के बारे में भी, ये भी हेल्थ का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। यहाँ पर कह रहे हैं टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन, जो एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम है इसको टैकल करने के लिए अ मैसिव 2,217 करोड़ रुपीज फॉर 42 अर्बन सेंटर्स विद मिलियन प्लस पॉपुलेशन इन दिस बजट। इसमें ये पहले आइडेंटिफाई करेंगे 42 अर्बन सेंटर्स और वहां पर ये अमाउंट खर्चेंगे एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। फिर आगे यहाँ पे बात की गई है स्क्रैपेज पॉलिसी के बारे में। स्क्रैपिंग पॉलिसी देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें सरकार ये कह रही है कि जो भी वाहन है, जो भी व्हीकल्स है, इनका होगा फिटनेस टेस्ट इन ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर्स आफ्टर 20 ईयर्स इन केस ऑफ पर्सनल व्हीकल। अगर कोई किसी की कार है, कोई स्कूटर है, और कमर्शियल व्हीकल्स के केस में यहाँ पे होगा 15 ईयर्स का पीरियड। इन टेस्ट से हम ये कोशिश कर सकते हैं कि इन द फ्यूचर जो भी यहाँ पे अनफिट व्हीकल्स हैं, ये सरकारी डॉक्यूमेंट में लिखा है अनफिट व्हीकल्स, जो बहुत पोल्यूशन कर रहे हैं, जो बहुत पुराने हो गए हैं, उनको धीरे धीरे हम फेज आउट करें स्क्रैपेज पॉलिसी के अंडर।
इसमें देखो काफी फायदा है, एनवायरमेंट भी सेव होता है और उसके अलावा हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ेगी। मैन्युफैक्चरिंग कैसे बढ़ेगी, अगर मान लो कई लोग हैं जिनकी पुरानी गाड़ियां हो गई हैं, काफी पोल्यूशन करती हैं, वो स्क्रैपिंग पॉलिसी के अंडर अपनी जो पुरानी गाड़ी है ये छोड़ देते हैं, अब ये परचेज करेंगे नई कार। इससे जो अभी के लिए हमारी बहुत सारी कंपनीज है, टाटा मोटर्स है, अशोक लेलैंड है, बहुत सारी और कंपनीज है, ये इंडिया में कार मैन्युफैक्चर और करेगी। कार की, कमर्शियल व्हीकल्स की जो डिमांड है ये तेजी से बढ़ने वाली है, इससे नौकरियां भी आएंगी। तो ये भी मैं कहूंगा काफी अच्छा एक स्टेप है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आगे फिर यहाँ पे सरकार बात करती है वैक्सीन के बारे में। बाय द वे पिलर वन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये यहाँ पे खत्म हो जाता है। वैक्सीन में यहाँ पे बात करते हैं न्यूमोकोकल वैक्सीन के बारे में। ये मैं आपको बता दूं हाल ही में इंडिया ने लॉन्च करी है, फर्स्ट इंडिजिनसली मेड 100% मेड इन इंडिया न्यूमोकोकल वैक्सीन। ये होती क्या, ये एक वैक्सीन है निमोनिया से बचाने के लिए। निमोनिया एक ऐसी बीमारी है जो लंग्स को अटैक करती है और इसके लिए वैक्सीन इंटरनेशनली अवेलेबल थी, मगर प्रॉब्लम ये है कि वो इंडियन वैक्सीन है नहीं। हम यहाँ पे क्या कर रहे थे कि बाहर के इंस्टीट्यूट से जो फॉर्मूला है, जो बेसिक आप कह सकते हैं किस तरीके से इसको डेवलप करना है, ये नॉलेज लेकर इंडिया में इसको करते थे मास प्रोड्यूस। तो अब इंडिया ने, भारत सरकार ने फाइनली एक खुद की न्यूमोकोकल वैक्सीन डेवलप कर दी है। इट इज ए मेड इन इंडिया प्रोडक्ट और अभी के लिए ये लिमिटेड है सिर्फ 5 स्टेट्स में। सरकार इन द फ्यूचर पूरे देश में इसको लॉन्च करेगी और सरकार को उम्मीद ये है कि सिंस निमोनिया से ऑन एवरेज पूरे देश में हजारों बच्चों की मौत होती है अनफॉर्चुनेटली, तो इस वैक्सीन से हर साल हम 50,000 बच्चों की डेथ रोक पाएंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है फॉर COVID-19 वैक्सीन यहाँ पर 35,000 crore के जो फंड्स हैं ये प्रोवाइड कर दिए गए हैं फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर। और आगे यहाँ पे कैटेगोरिकली ये बोला है कि पिछले साल जो हमारा हेल्थ का बजट था उसमें हमने टोटल खर्चे थे अराउंड 94,000 crore rupees। इस बार जो टोटल एक्सपेंडिचर है हेल्थ और वेलबींग को लेकर ये 2,23,000 crore से भी ऊपर है। आगे जो सेकेंड पिलर है यहाँ पे लोग बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की, इसके अंडर आती है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। सरकार अभी भी कह रही है कि जो हमारा 5 trillion इकोनॉमी का फोकस है, जो हमारा सपना है वो भी खोया नहीं है, इन द फ्यूचर हम बिल्कुल $5 trillion की इकोनॉमी अचीव करेंगे, मगर कब अचीव करेंगे इसके बारे में कोई मुझे टैक्स मिला तो नहीं है, मुझे तो नहीं मिला वैसे, तो सरकार ने शायद जो अपना डेडलाइन है ये शायद एक्सटेंड कर दी होगी या अभी के लिए डेडलाइन के बारे में बात कर नहीं रहे। मगर सरकार यहाँ पर ये कह रही है कि $5 trillion की इकोनॉमी अगर बनाना है देश को तो उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग को हमको देना होगा बूस्ट, उसके लिए है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। और इसके लिए सरकार ने यहाँ पे कमिट किए हैं एक मैसिव 1,97,000 crore rupees फॉर ओवर 5 years स्टार्टिंग फ्रॉम दिस फाइनेंशियल ईयर, जो अगला यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा 2021-22 से। सरकार ऑलमोस्ट 2,00,000 crore rupees खर्चेगी अंडर दिस स्कीम। फिर आगे देखो यहाँ पे बात करी गई है टेक्सटाइल्स के बारे में। टेक्सटाइल एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर है फॉर जॉब क्रिएशन। इसके अंडर ये कह रहे हैं कि जल्द ही लॉन्च की जाएगी एक स्कीम, मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क स्कीम। मित्र इसके अंडर प्लान ये है, लॉन्ग टर्म प्लान ये है कि 3 साल में 7 टेक्सटाइल पार्क्स हम एस्टेब्लिश करेंगे इन इंडिया। ये कह रहे हैं दिस विल क्रिएट वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर विद प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज टू एनेबल क्रिएट ग्लोबल चैंपियंस इन एक्सपोर्ट्स। अब अगेन ये स्कीम के बारे में इनके क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, कहां पर ये बनाएंगे पार्क्स, ये भी रिवील किया नहीं है। इन्होंने इसके लिए जो अमाउंट है ये एलोकेट कर दिया है और जो टारगेट है ये सेट कर दिया अभी के लिए। फिर आगे इन्होंने यहाँ पे फोकस किया है एसेट मोनेटाइजेशन पे। इसका अर्थ क्या है, देखो सरकार को आज के समय चाहिए पैसा, सबको चाहिए मगर सरकार को ज्यादा चाहिए क्योंकि इनका एक्सपेंडिचर बहुत ही ज्यादा है। एसेट मोनेटाइजेशन के अंडर जो एसेट सरकार के पास हैं, इनके पास जो लैंड बैंक्स हैं, इनके पास कई बैंक्स हैं, कई कंपनीज हैं, इनको या तो ये सेल करेंगे या फिर इससे जो भी पैसा ये निकाल सकते हैं वो निकालने की कोशिश करेंगे। और सिंपली इसके बारे में यहाँ पे लिखा है कि मोनेटाइजिंग ऑपरेटिंग पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फाइनेंसिंग ऑप्शन फॉर न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन। अगर इन द फ्यूचर नई बिल्डिंग्स बनानी है, नई स्मार्ट सिटीज बनानी है, तो उसके लिए ऑलरेडी जो हमारे पास कई लैंड बैंक पड़े हैं, कई हमारे पास एसेट्स पड़े हैं, उसको मोनेटाइज करना ही होगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। फिर आगे देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे सेक्शन है इस पूरे बजट में, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ लॉट ऑफ एग्जामिनेशंस। सिंपली यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि भारतीय रेलवे ने प्रिपेयर कर दिया है एक नेशनल रेलवे प्लान फॉर इंडिया 2030। ये प्लान है ताकि हम क्रिएट कर पाए फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम 2030 तक। तो ये बात आपसे काफी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि किस ईयर का टारगेट रखा है टू क्रिएट फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम इन इंडिया। और इसमें मेन देखो फोकस यहाँ पे रखेंगे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट पर।
लॉजिस्टिक्स कॉस्ट का अर्थ क्या है? अब यहाँ पे एक बार जरा ये मैप देखो। अब इंडिया में अगर मान लो आपको गुड्स मूव करने हैं, आपको आप जाते हो यहाँ पे दिल्ली से लेकर गुजरात तक जल्दी से आपके गुड्स जाएं, गुड्स मूव करना आप क्यों चाहेंगे? क्योंकि अगर गुड्स की मूवमेंट ज्यादा होती है तो इससे मैन्युफैक्चरिंग में आसानी होगी। जो भी आज के समय आप बड़ी आइटम देखोगे उसकी सारी मैन्युफैक्चरिंग एक जगह पे नहीं होती, उसके कंपोनेंट्स बनते हैं। कुछ कंपोनेंट्स बनेंगे दिल्ली में, कुछ बनेगा इंदौर में, कुछ यहाँ पे बनेगा इन मुंबई में। जितनी जल्दी से आपका माल, आपका जो गुड्स है ये ट्रैवल करेगा विद इन कंट्री, उससे ऑटोमेटिकली आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग है ये भी इंप्रूव होगी। चाइना की देखो तरक्की का एक बड़ा रीजन ये है कि यहाँ पर लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बहुत ही ज़रा कम है। और बाय द वे लॉजिस्टिक्स को लेकर, लॉजिस्टिक्स पार्क क्या होते हैं इसको लेकर मेरी एक डेडिकेटेड वीडियो भी है ऑन वर्ल्ड अफेयर्स। आप अगर टाइप करोगे वर्ल्ड अफेयर्स लॉजिस्टिक्स पार्क तो आपको मिल जाएगी, तो वहां पर भी आप देखना, उसमें मैंने इस इशू को बहुत ही ज्यादा डिटेल में समझाया है। तो इस बजट में भी आप अगर देखोगे तो प्राइमरली यहाँ पे फोकस कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट इंडिया में ज्यादा नीचे आए। इंडिया में आपको अगर गुड्स मूव करने हैं तो ये आपके लिए काफी आसान हो। इसके लिए आपको बताऊंगा कि दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलवे कॉरिडोर भी हम बिल्ड कर रहे हैं मालगाड़ी के लिए। ये कॉरिडोर होंगे बस, एक तो है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, फिर है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर। ये दोनों कह रहे हैं कि कमीशन हम कर देंगे जून 2022 तक। बहुत अच्छी बात है, मैं अभी वेट कर करके थक गया था। लोग मुझे कहते रहे वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ, मैं सोचता था ये बन के तैयार कब होगा, मगर खैर अच्छी बात है दोनों अब ये जून 2022 तक बनके तैयार हो जाएंगे। बजट में तो एटलीस्ट ये लोग ऐसा कह रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोगों के लिए मैं बहुत ही ज्यादा इन डेप्थ रिसर्च के साथ वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर पर वीडियोस लेके आऊंगा इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो ओवरऑल रेलवेज को जो अमाउंट एलोकेट किया गया है इस बजट में रेलवे मंत्रालय को, ये है 1,10,055 करोड़ रुपीज। आप अगर रेलवे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं प्लीज रिमेंबर दिस अमाउंट। फिर आगे हम बात करते हैं पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। यहाँ पर वित्त मंत्री कह रही हैं कि पिछले 6 साल में इन्होंने देखी है कि बहुत सारे रिफॉर्म्स और अचीवमेंट्स हुई हैं पावर सेक्टर में। ऑब्वियसली ये कह रही है कि हमारी गवर्नमेंट के अंडर हुआ है ये सब रिफॉर्म्स। सरकार यहाँ पे कह रही है कि हमने ऐड किया है 139 गीगावाट को ऑफ इंस्टॉल कैपेसिटी और भविष्य में इसको काफी हद तक एक्सपैंड करने का भी प्लान है। और इसके लिए यहाँ पर ये कह रही है कि एक रिवैम्प्ड रिफॉर्म बेस्ड रिजर्व लिंक्ड पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम ये लॉन्च करेंगे। अभी ये बस बता रहे हैं स्कीम लॉन्च करेंगे, स्कीम क्या होगी क्या होगा ये बाद में बता लेगा। बीच में कभी भी हो सकता है कि आने वाले 5-6 महीनों में जून जुलाई अप्रैल के आसपास कभी भी एक न्यूज आ जाए कि एक नई स्कीम लॉन्च करी गई है फॉर द पावर सेक्टर। इसमें भी के लिए हमको बस ये पता है कि सरकार आने वाले 5 साल में खर्चेगी more than 3 लाख करोड़ रुपीज और ये पैसा दिया जाएगा उन डिस्कॉम्स को ताकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर पाए फॉर प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग। जो मीटरिंग होती है आपके घर में जो मीटर लगा होगा उसकी प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग हो, फीडर सेपरेशन हो और अपग्रेडेशन हो सिस्टम की। तो ओवरऑल मैं आपको ये बता दूं आने वाले 5 साल में जिस तरीके से आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हो उसमें भी आप बहुत ही बड़ा बदलाव देखने वाले हैं, विच इज अ गुड थिंग। फिर यहाँ पर उन्होंने बात करी है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की। यहाँ पर कह रही है कि हमारी गवर्नमेंट ने इंश्योर किया है कि लॉकडाउन के टाइम में भी जो फ्यूल सप्लाईज हैं ये लगातार लोगों को मिलती रहे, कहीं पर ये प्रॉब्लम ना आ जाए कि पेट्रोल डीजल या फिर सीएनजी इसकी कमी है। तो फ्यूल सप्लाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसलिए कह रहे हैं कि इस सेक्टर को इन द फ्यूचर हेल्प करने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए कुछ की इनिशिएटिव्स हम यहाँ पर ले रहे हैं। देखो फ्यूल बाय द वे ये नहीं है कि सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए होता है, जो लोग घर में यूज करते हैं कुकिंग फ्यूल इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ फ्यूल। तो इसके लिए उज्ज्वला स्कीम के अंडर, जिसके अंडर ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि 8 करोड़ हाउसहोल्ड्स को बेनिफिट मिल चुका है, इसको एक्सटेंड किया जाएगा ताकि 1 करोड़ और बेनिफिशरीज यहाँ पर जुड़ पाए। तो टोटल 9 करोड़ बेनिफिशरीज आपको दिखेंगे इन द फ्यूचर उज्ज्वला स्कीम के अंडर। और उज्ज्वला स्कीम किससे रिलेटेड है, ये है एलपीजी गैस कनेक्शंस के लिए फॉर बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज, वेरी इंपॉर्टेंट। 1 करोड़ और बेनिफिशरीज यहाँ पे जुड़े जाएंगे। फिर ये लोग ये भी कह रहे हैं कि एक गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट हम शुरू करेंगे इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसके बारे में और डिटेल्स अभी दिए नहीं है, बाद में इस पे और अनाउंसमेंट करेंगे। फिर यहाँ पर ये लोग ये भी कह रहे हैं कि देश में एक गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर भी ये सेटअप करेंगे फॉर फैसिलिटेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ बुकिंग ऑफ कॉमन कैरियर कैपेसिटी इन ऑल नेचुरल गैस पाइपलाइंस। फिर आगे लोग यहाँ पे बात करते हैं रिकैपिटलाइजेशन ऑफ पीएसबीज के बारे में। देखो पब्लिक सेक्टर बैंक जो है हमारे पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बहुत सारे और हमारे पास जो सरकारी बैंक है, इनमें सरकार ने पिछले कई सालों में लाखों करोड़ों रुपए इंजेक्ट किए हैं। इसका रीजन बहुत ही सिंपल है, इन बैंक्स को पहली बात तो
इतने एफिशिएंट तरीके से ऑपरेट किया नहीं जा रहा। बार बार हम सुनते हैं कि किसी ना किसी बैंक में स्कैम हो गया, कभी नीरव मोदी का स्कैम हो जाता है, कभी विजय माल्या का स्कैम होता है, और बहुत ही आसानी से कई लोग यहाँ पे बस लोन लेकर देश के बाहर भाग जाते हैं। उसको रोकने के लिए कुछ स्टेप्स लिए गए हैं, मगर अभी भी आप अगर देखो तो बहुत सारे सरकारी बैंक्स हैं वहां पर एनपीए का इशू है, और इन बैंक्स को अगर फाइनेंशियली स्टेबल रखना है तो सरकार को अपनी तरफ से इनमें लगातार पैसा डालना होगा। अब यहाँ पे देखो सोचने वाली बात है कि सरकार टैक्स पेयर का पैसा 20,000 करोड़ रुपए ये यहाँ पर पंप कर रही है एक लॉस मेकिंग बैंक को लगातार आगे बढ़ाने के लिए, तो कहीं ना कहीं हमको सोचना होगा इन बैंक्स के बारे में भी। और इसलिए भारत सरकार ने यहाँ पर यह भी कहा है कि दो पब्लिक सेक्टर बैंक्स की डिसइन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर करी जाएगी। और यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि मिनिस्ट्री वाइज किस मंत्रालय को कितना एलोकेशन हुआ है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखोगे ये मेजर एलोकेशन है मिनिस्ट्री के, सबसे ज्यादा यहाँ पे एलोकेशन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को 4,78,196 करोड़ रुपीज, ये है डिफेंस मिनिस्ट्री को दिया गया अमाउंट, सबसे ज्यादा ये मिनिस्ट्री के हिसाब से। अच्छा मैं ये भी चाहता हूँ जो जो मिनिस्ट्रीज का यहाँ पे मैं नाम लूंगा ना काफी मुश्किल काम है, पता नहीं कितने लोग करेंगे इसको, इन सब मिनिस्ट्रीज के जो मिनिस्टर्स हैं नीचे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में भी लिखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे आपको मेमोराइज करने में भी आसानी होगी। तो देखो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स को यहाँ पे मिले हैं 54,581 करोड़ रुपीज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को यहाँ पर मिले हैं 73,932 करोड़ रुपीज, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को मिले हैं यहाँ पर 93,000 करोड़ से भी ऊपर, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का मैंने आपको बता दिया था 1,10,000 करोड़ से भी ऊपर, फिर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को मिले यहाँ पर 1,18,000 करोड़ के आसपास, फिर है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इसको मिले हैं 1,31,000 करोड़ के आसपास, फिर है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट 1,33,000 करोड़ रुपीस, मिनिस्ट्री ऑफ होम को दिए गए हैं 1,66,000 करोड़ रुपीस, और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को दिए गए हैं 2,56,000 करोड़ से भी जरा का अमाउंट। नाउ फिर हम यहाँ पे बात करते हैं फिस्कल पोजिशन के बारे में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे देश में फिस्कल सरप्लस तो है नहीं, फिस्कल डेफिसिट है। फिस्कल डेफिसिट का मतलब टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीव्स, जितना आपके पास पैसा आ रहा है जितना आप खर्च रहे हैं उसमें डिफरेंस क्या है, तो फिस्कल डेफिसिट देश का बढ़ गया है। ऑब्वियस ही बात है बढ़ेगा, सरकार ने टैक्स लॉ में कुछ चेंज नहीं किया, हम लोगों पर कोई एक्स्ट्रा टैक्स अभी के लिए तो इम्पोज किया नहीं गया। फिर सरकार यहाँ पर यह भी कह रही है कि नई योजनाएं लाएंगे, जो ऑलरेडी स्कीम चल रही है वहां पे करोड़ों नई फैमिलीज को ऐड करेंगे, कई और खर्चे करेंगे, तो ऑब्वियस ही बात है कि फिस्कल डेफिसिट देश का बढ़ना ही वाला है। ऑलरेडी सरकार कह चुकी है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो हमने कैलकुलेट किया था कि हमारा टोटल खर्चा होगा अराउंड 30 लाख करोड़ के आसपास, ये बढ़ के 34 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया है, और फिस्कल डेफिसिट अभी के लिए यहाँ पे कह रहे हैं द फिस्कल डेफिसिट इज पैक्ड एट 9.4% ऑफ GDP, ये बहुत ज्यादा है, काफी मतलब आप कह सकते हैं जितना हम कमा रहे हैं जितना हम खर्च रहे हैं उसमें जो गैप है ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे इन्होंने एक एक्ट की भी बात की है, इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि हम जानते हैं कि FRBM एक्ट के हिसाब से, FRBM की फुल फॉर्म क्या है, FRBM की फुल फॉर्म है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2003, इसके हिसाब से लिखा हुआ था 3% ऑफ GDP होना चाहिए फिस्कल डेफिसिट बाय 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर 2020-21, तो ऑब्वियसली हम लोग 3% से काफी ऊपर चले गए हैं, तो फिर से इसके लिए एक अमेंडमेंट लाया जाएगा इस एक्ट में ताकि हम चेंजेस करें। बेसिकली हमारी जो डेडलाइन थी फिस्कल डेफिसिट को मैनेज करने की, ये COVID-19 ने बुरी तरीके से बर्बाद कर दी है, काफी खर्चा हुआ है यहाँ पर, इसलिए सरकार यहाँ पे कह रही है कि जो लॉन्ग टर्म प्लान थे फिस्कल मैनेजमेंट को लेकर उसमें हमें काफी नुकसान झेलना पड़ा है। और आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि ओवरऑल सरकार के पास जो पैसा आता है उसका सबसे बड़ा सोर्स क्या है, तो यहाँ पर देखो काफी बड़ा, सबसे बड़ा मैं कहूंगा सोर्स है बोरोइंग और अदर लाइबिलिटीज। अगर सरकार के पास 1 रुपया आता है तो उसमें से 36 पैसे आते हैं उधार से और बाकी इनकी जो लाइबिलिटीज हैं उस सब से। अब ये लगातार बढ़ रहा है पिछले कई सालों से ये पोर्शन, अब इसके बढ़ने से खतरा ये है कि अगर सरकार मार्केट से, वर्ल्ड बैंक से, वेरियस इंस्टीट्यूशन से लगातार ये जो डेट है ये उठाती रहती है तो डेट की आपको सर्विसिंग भी करनी होती है, और इसलिए यहाँ पे आप देखोगे सरकार का सबसे ज्यादा जो अमाउंट खर्चे में लगता है द रुपी गोज टू, सरकार के पास अगर 1 रुपया है तो उसमें से सबसे ज्यादा अमाउंट कहाँ पे जाता है, तो 20 पैसा जाता है इंटरेस्ट पेमेंट्स में। तो सरकार के बहुत सारे जो बॉन्ड्स हैं, जो इनके डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, और ये टेंशन की बात है। कहीं ना कहीं हमको सोचना होगा कि या तो हम अपना कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाएंगे, या तो जो टैक्स लॉ है इसमें चेंज करेंगे, अमीरों पे और टैक्स लगाएंगे, नहीं तो सरकार इन द फ्यूचर बड़े खर्चे नहीं कर पाएगी।
तो अभी के लिए देखिए जो मेन पॉइंट्स है बजट के, मेरे हिसाब से मैंने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। बाकी अगर कोई योजना रह रही हो, कोई स्कीम रह रही हो, उस पर इन द फ्यूचर मैं डेडिकेटेड वीडियो या फिर जो एमसीक्यू वाली वीडियो होती है उसमें उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। अभी के लिए ये है एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। एक बजट जो होता है वो एक मुल्क की जो है आने वाला जो पूरा साल होता है उसकी सारी जो है चीजों के बारे में बताता है। तो मुझे जहां तक लगता है ना, बजट पेश करना सबसे मुश्किल काम होता है। जो इसका मंत्री होता है ना, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर होता है, उसके जो अंडर लोग वर्क कर रहे होते हैं, उनके लिए काफी बड़ा चैलेंज होता है बजट बनाना। बिल्कुल। वैसे तो आज जो हम लोगों ने बजट की जितनी भी चीजें देखी वो आप लोगों को ज्यादा बेहतर पता है कि आप लोगों की क्या ओपिनियन रहेगी इसके बारे में। बट मैं बजट के बारे में इसी तरह से बात लेकर पैसे खर्च करने तो एक कंट्री को रन करना, उसका बजट बनाना, हर सेक्टर में हर छोटी बड़ी चीज का ख्याल रखना, तो वाकई में ये आसान काम नहीं है। और इस मरतबा जिस तरीके से एक पेपर फ्री बजट मैं कहूंगी कि पेश किया गया, वो बहुत ही एक अच्छा स्टेप था। उसकी रीजन ये कि देखो मोदम, एक पेपर फ्री अगर होगा तो मतलब पेपर भी ऑब्वियसली कहां से बनता है वो हमें पता है, दरख्तों से बनता है। लाजमत है पेपर बनने तक एक बहुत बड़ी कॉस्ट आती है, कॉस्ट भी आती है, लेकिन उसके बाद ये है कि आप एक नेचर को भी मैं कहूंगी कि हाँ प्रोटेक्ट कर रहे हो, दूसरी तरफ आप डिजिटल इंडिया की जो एक कैंपेन है हाँ उसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो मुझे ये वाली चीज बहुत अच्छी लगी। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा बजट के हवाले से, जैसे अगर हम एक अपनी जिंदगी की बात करें, हम सब लोगों ने जो है अपने एक एक्सपेंस सोचे होते हैं कि भाई हम जो है इस महीने ये काम करने हैं तो ये पैसे इतने। अगर कोई अनएक्सपेक्टेड चीज आ जाए, जैसे कोई शादी आ गई या कोई चीज इधर उधर हो जाए, तो कितनी ज्यादा मुश्किलात का जो है हमें सामना करना पड़ता है। और अगर हम पिछले साल की यहाँ पे बात करें तो इंडिया ने जैसे जो है इतना ज्यादा जो है वहां पे राशन बांटा गया, डिफरेंट किस्म की सुविधाएं दी गई, बार बार जो है छोटे छोटे बजट पेश किए गए, तो ये वो चीजें थी जो काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड रही हैं पिछले साल। बिल्कुल, इसीलिए तो जो कि लास्ट पॉइंट फिस्कल डेफिसिट की बात की गई, वही ना ये बात है, क्योंकि मैं भी जो वो पॉइंट सुन रही थी ना तो मेरे जहन में भी यही चीज चल रही थी, क्योंकि लास्ट ईयर पूरा पैंडेमिक का रहा है और गवर्नमेंट पर देखा जाए तो एक बहुत ज्यादा एक बर्डन रहा है, क्योंकि उन्होंने लोगों को मुफ्त काफी ज्यादा सुविधाएं दी हैं, और उस टाइम पर जबकि पूरा एक मतलब बिजनेस था नहीं, लॉकडाउन था, कोई काम नहीं हो रहा था, तो जब आप अपने खजानों में से निकाल कर देते हो डेफिनेटली उस पर बहुत ज्यादा असर होता है। लेकिन मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगी है ना, मुझे वो लगी है कि जो कि हेल्थ का इतना ज्यादा ख्याल रखा गया, उस पर इतना ज्यादा मतलब खर्चा होगा, वो मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आपके पानी, आपका उसमें मतलब एयर, फिर उसके अलावा डिफरेंट फैसिलिटीज हेल्थ से रिलेटेड, मुझे पता नहीं क्यों मेरे लिए ये सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन मैं अगर यहाँ पे बात करूं तो पिछले साल को लेकर इस साल जो है इंडिया ने काफी ज्यादा जो है इंप्रूवमेंट्स की हैं बजट में, काफी ज्यादा चीजें सीखी हैं इस पेंडेमिक में। जैसे कि अगर हम हेल्थ की ही बात करें तो जो छोटे छोटे लूप होल्स थे ना वो कवर करने की बहुत ज्यादा कोशिश की जाएगी इस बजट में। जैसे कि उन्होंने कहा कि जो वायरस वाले सेंटर्स हैं, जो डिटेक्शन सेंटर्स हैं वो खोले जाएंगे, फिर उसके बाद रूरल और अर्बन एरियाज जो है उन्हें भी कवर किया जाएगा, मोबाइल हॉस्पिटल्स जो है वो भी जो है आएंगी, ऐसे एरियाज जहां पर इतनी आसानी से इसकी फैसिलिटी नहीं है वहां पर जो मोबाइल सर्विसेज होंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। फिर हाँ नहीं नहीं बोलो बोलो बहुत सारा कुछ है। फिर उसके बाद जो है एक और चीज, जैसे हर साल बजट आता है डिफरेंट कंट्रीज की, खाली मैं इंडिया की बात नहीं करूंगा, पूरी दुनिया में जहां जहां बजट पेश किए जाते हैं वहां पे कुछ ना कुछ नया जो है ना नए नाम के साथ टैक्स लगा दिया जाता है पब्लिक पे। लेकिन इस बजट में मुझे जो अच्छी बात लगी है कि अभी तक कोई टैक्स इम्पोज नहीं किया गया, जो पहले के सिर्फ वही चलेंगे। बिल्कुल, और ये इससे भी अच्छा है क्योंकि देखो लोगों की इनकम्स ऑब्वियसली इस पैंडेमिक में भी वही बात है कि सिचुएशन को मद्देनजर रखकर एक बजट बनाया गया। जो पॉइंट्स हम लोगों ने अभी तक देखे हैं और जो प्रशांत सर ने हाईलाइट किए हैं वो इसलिए भी अच्छे लगे क्योंकि अगर देखा जाए तो लोगों की बहुत सारे लोगों की जॉब्स गई, ठीक है ना, तो फिर लोगों पर भी एक मैं कहूंगी कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक लोगों पर भी एक बर्डन आया और उस चीज को लोगों ने मतलब जो गवर्नमेंट है करंट गवर्नमेंट है उसने समझा और कोई टैक्स इम्पोज नहीं किया। 75 ईयर्स
के जो मतलब सीनियर सिटीजन है उन पर एग्जेम्प्ट कर दिया गया, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। अभी कल ही खास तौर पर बहन के साथ हम दोनों डिस्कस कर रहे थे एक चीज, मतलब हम लोग यहाँ के सिनेरियो को लेकर डिस्कस कर रहे थे कि ये एक चीज होनी चाहिए कि जैसे इसमें भी बोला गया कि अगर किसी कंपनी का सीईओ है जो कि 78 इयर्स का है उस पर नहीं छोड़ा गया, लेकिन जो मतलब एक नॉर्मल है, एक जो पेंशन लेता है या जिसकी थोड़ी बहुत सेविंग है उस पर उसको आ रहे हैं पैसे। तो वाकई में हम लोग भी ये चीज डिस्कस कर रहे थे कि जो अमीर लोग हैं उन पर थोड़ा ज्यादा मतलब उनको उनसे बर्डन उन पे होना चाहिए, कि उनसे पैसे लेने चाहिए, क्योंकि अगर आप इक्वल सबको रख रहे हैं तो दोनों की सैलरीज में, दोनों की इनकम में बहुत ज्यादा फर्क है, दोनों के मतलब प्रॉफिट में बहुत ज्यादा। दूसरा फर्क अगर मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा कि अगर हम एक सीईओ की बात करें और एक जो है नॉर्मल पर्सन जो पेंशन ले रहा है या इंटरेस्ट पे जो है उसकी लाइफ गुजर रही है, अगर उन दोनों के लाइफस्टाइल की बात करें, उनके रहन सहन की बात करें, उसमें भी बहुत फर्क है। जो सुविधाएं अमीरों को उनके एरिया से मिलती है ना, वो एक मिडिल क्लास या लो इनकम लोगों को नहीं देखने को मिलती। मुझे लगता है कैटेगराइज कर देना चाहिए, अगर कोई स्मॉल बिजनेस का एक सेक्टर है तो उसको उसके लिहाज से टैक्स पे करना चाहिए, एक बड़ा मतलब कोई है बिजनेसमैन है उसको उसके लिहाज से करना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली होता है जो मतलब देखने को मिलता है वो ये कि सबको मतलब एक ही तराजू में नहीं, सबको एक सिनेरियो में नहीं, हम लोग तो फिर भी पे कर देते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो अपनी इनकम का इतना कम पे करते हैं कि जब कभी सामने खुलकर आता ना तो शर्म आती है कि भाई झूठ बोलते हुए इंसान को थोड़ा सा ना सोच लेना चाहिए कि हम लोग क्या क्या रहे हैं, कि हमारी इनकम हमारे कितने ज्यादा बिजनेस है और हम लोग टैक्स के नाम पर पे क्या करते हैं, उससे ज्यादा बेसिक जो है एक मिडिल क्लास या जो है लो इनकम बंदा पे कर रहा। क्योंकि पास में कुछ ऐसी मैं कहूंगी केसेस खुलकर सामने आए हैं, बिल्कुल, जहां पर मतलब कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस के मैं कहूंगी कि जो कट्टे खुले थे टैक्स पेयर थे और जो टैक्स उनका सामने आया था, तो मतलब वो देखकर बंदा कहता है वाह फिर आपसे ज्यादा अमीर तो हम लोग हैं, हम लोग हैं बिल्कुल। अच्छा मैं यहाँ पे बात करूंगा डिफेंस की, जो कैटेगराइज किया गया है यानी कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में से जो है डिवाइड किया गया, तो सबसे ऊपर डिफेंस को रखा गया, तो डिफेंस का बजट जो है वो काफी बड़ा है और नो डाउट जिस तरह जो है इंडिया के चाइना के साथ अभी क्लैशेस चल रहे हैं पिछले दिनों में, तो डिफेंस का अच्छा होना बहुत जरूरी है। फिर उसके एक बात बोलूंगी ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी क्योंकि कुछ दिनों से नहीं तकरीबन एक साल हो गया, हाँ लगभग एक साल हो गया के साथ, और वाकई में ये देखो कि जिस तरीके से प्रशांत सर ने इस पॉइंट को भी हाईलाइट किया कि वहां पर चाइना के 1,00,000 जो सोल्जर्स हैं या वो डिप्लॉय हैं और उसके बाद उसकी मतलब उसको काउंटर करने के लिए इतनी ज्यादा रकम या इतने ज्यादा पैसे खर्च करने पड़े, तो डेफिनेटली जब धीरे धीरे जब चीजें और ज्यादा इसको अपग्रेड करना पड़ेगा क्योंकि आपको अपना डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा सो दैट जो बाकी दूसरे कंट्रीज हैं वो आप पर बुरी नजर आपके जो है अमन ईमान रहे शांति रहे। और नॉर्थ ट्रांसपोर्टेशन जो है उसमें बहुत ज्यादा खर्चा आता है जब आप एक जगह से दूसरी जगह जो है शिफ्ट होते हैं। और दूसरी जो यहाँ पे कैटेगरी रखी गई है वो रखी गई है मुझे नहीं पता बताओ तो सही बोलो, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कंज्यूमर अफेयर्स की। अच्छा वैसे तो काफी सारी कैटेगरीज उसमें रखी गई हैं, बट मैं यहाँ पर एक और कैटेगरी की बात करना चाहूंगी जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, स्क्रैपिंग की। ये बहुत अच्छी चीज है कि मतलब एक इससे एयर पोल्यूशन खत्म होगी, देखा जाए बहुत सारी चीजें मुझे लगता है सही हो रही है, आपकी इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा फायदा होगा जैसे कि प्रशांत सर ने बताया भी, आपकी आपको जॉब्स बहुत ज्यादा मतलब ऑब्वियसली जब ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी वहां पर तो वो लोगों को भी फायदा होगा। और इसके साथ साथ मतलब मैंने ये चीज सुनी है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में इस बजट के बाद काफी ज्यादा बूस्ट भी मिल रहा है और जो स्टॉक एक्सचेंज कंपनीज हैं वो एकदम से यू नो ऑफकोर्स होगा कि उसकी रीजन है ना क्योंकि अब 20 साल की जो गाड़ियां हैं उनके वो चेक किया जाएगा, अगर वो फिट होंगी तो वो चलेंगी, नहीं होंगी तो उन्हें जो है स्क्रैप कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। वाकई ये चीज बहुत जरूरी है क्योंकि मैं कल की बात करूं, मैं जा रहा था तो एक गाड़ी मेरे आगे जा रही थी, वो इतना धुआं छोड़ रही थी ना, मेरा दिल करता मैं उसे रोक कर कहूं कि भाई तू जो है ना इसके इंजन ऑयल चेंज करा ले। हालांकि मतलब ये चीजें वाकई में इस तरह के लॉज हो
होने चाहिए। सही बात है। समटाइम्स हम लोग जो बाहर जाते हैं, वाकई में इस तरह की गाड़ियां होती हैं, ऑटो रिक्शा होते हैं, जिनको आप मतलब कहते हो कि यार या तो इनसे आगे चल रहे, इनको कुछ तो ख्याल कर कुछ लो आप तो ख्याल कर लो। बट इसके साथ साथ जो कमर्शियल है या पर्सनल यूज के लिए, उन दोनों के लिए भी टाइम देखो। कमर्शियल के लिए 15 ईयर्स और पर्सनल के लिए 20 ईयर्स दिए गए, क्योंकि कमर्शियल ऑब्वियसली ज्यादा यूज। बिल्कुल। और दूसरे में ये भी बात करना चाहूंगा कि लोग क्या करते हैं, अगर उन्हें आप सलाह देना, उल्टा वो आपसे लड़ना शुरू हो जाते हैं कि भाई तू कौन होता है कहने वाला, तो ये चीज गलत है। तो इस लिहाज से मुझे गवर्नमेंट की जो पॉलिसी जो है बहुत अच्छी लगी है कि 20 साल के बाद आपकी गाड़ी एक्सपायर है, आप नई गाड़ी लें। और इससे एक और बहुत ज्यादा फायदा होगा कि जो दुनिया में नई टेक्नोलॉजी चल रही होगी ना, वो आपके पास आएगी। वैसे अगर देखा जाए तो इंडिया में तो काफी ज्यादा, अगर गाड़ी की बात करें तो वो तो नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके अलावा मैं कहूंगी कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो इस्तेमाल की जाएंगी जो कि आपकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट लाएं या फिर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर और ज्यादा अच्छा करें, ये चीजें बहुत अच्छी है। अच्छा, मैंने एक और बात जो न्यूज पढ़ी थी वो ये कि काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी जैसे जो स्टील की कंपनीज हैं उनको भी दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, और उससे भी डेफिनेटली बहुत ज्यादा फायदा होगा। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो सा है वो थोड़ा उस पर मतलब उतनी ज्यादा कॉस्ट नहीं उस तरीके से आएगी, जिस तरह के अगर गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं देती तो ऑब्वियसली वो फिर महंगा पड़ेगा। तो ओवरऑल हम लोगों को तो काफी अच्छा लगा है, जितने भी पॉइंट्स हाईलाइट किए गए हैं। कुछ चीजें हैं जो कि बीच में अभी तक डिस्कस नहीं की गई थी, वो प्रशांत सर ने वो भी बताई। बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं या कोई आपको लूप होल नजर आता है वो डेफिनेटली आप बताएंगे कि आप क्या सोच रहे हैं कि अब का जो बजट है वो लास्ट टाइम के बजट से कितना इंप्रूव्ड वर्जन में है, ये जरूर हमें बताइएगा। और इसके साथ साथ मुझे एक और चीज बड़ी अच्छी लगी थी, सॉरी बताते, और वो ये क्योंकि जो बेसिक जरूरतें हैं ना लोगों की, मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है कि उस पर जब फोकस किया जाता है। हेल्थ का ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हुए हैं, फिर इलेक्ट्रिसिटी का मौसम, उसके अलावा देखो टेक्सटाइल की जो कंपनीज हैं उस पर, हाँ पार्क्स हैं उस पे, वो तो कब बनेंगे चलो वो डिसाइड नहीं, लेकिन एटलीस्ट एक नई चीजें आ रही है जो लोगों के लिए बहुत फायदा होगी और आपकी इंडस्ट्री जो है उसको बूस्ट मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके बजट में वाकई में इस तरह की चीजें होनी चाहिए जो आपके लोगों को रोजगार दें, आपकी जो चीजें आपकी खुद की नेशन उठकर ऊपर आए। बिल्कुल। वेल ये तो थी गाइस हमारी वीडियोस, हमारा कोई इतना बड़ा मतलब ज्यादा नॉलेज नहीं है और हम कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है, बट ये है कि हाँ बहुत अच्छा लगता है प्रशांत सर की वीडियोस देखकर, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं चलता मौसम के टाइम कैसे गुजर गया है। बिल्कुल। और यहाँ पर हम थैंक यू बोलना चाहेंगे प्रशांत सर को कि वो इतनी अच्छी वीडियोस बनाते हैं जिनसे हम लोगों को भी नॉलेज बहुत ज्यादा मिलता है। तो ये हमारी आज की वीडियो, इस साल में इजाजत, मेरे वीडियोस लाइक चैनल सब्सक्राइब शेयर कीप अस इन योर प्रेयर्स। गुड बाय।